जो ताजमहल है ऐसी इसको दुनिया का आठवां अजूबा नहीं कहा जाता है। देखिए इसकी खूबसूरती, यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ बनाया शाहजहां ने। तो जो जाना जाता है, लेकिन आप इस पर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है, इसकी खूबसूरती को दीदार कर सकते हैं सामने करीब से। एकदम मैं आपको बहुत क्लोजअप लाया हूँ, ये एकदम इसका ऊपर से नीचे तक, ये सामने से मैंने दिखाया आपको, दर्शन कराया था आदमी को। आप देख रहे हैं सरपंच जी के ब्लॉग, ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज हम गए हैं आगरा, तो हम यहाँ पर जो दीदार आपको दिखा रहे हैं ताजमहल का, खूबसूरत मौसम काफ़ी सुहावना है। और जो ये तालाब ये बने हुए हैं, इसका एक क्या बोला जाता है इसके उसमें कि इसमें धूप आई रहती है, तो इस पर ताजमहल की आकृति जो है इस पर दिखाई देती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, बहुत से देश विदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लोग अपने प्रेम प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। बहुत सारे जोड़े मैंने यहाँ पर देखे, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर, विहंगम और अद्भुत दृश्य। लगभग 90% लोग जोड़े में ही आए हैं इधर, जो मैं देख पा रहा हूँ, और सब खुश एकदम, सबके चेहरों में रौनक है, बहुत रौनक। तो आज मैंने दिखाया अभी आपको, और दिखा रहा हूँ आपको कि ये ताजमहल है। इस तरह से यहाँ एंट्री करी जाती है, इंडियन के लिए 50 रुपीज़ एंट्री पास है। अगर आपको ऊपर मकबरा भी देखना है तो उसके लिए 250 अलग से देने पड़ेंगे, तो बट यहाँ पर आपकी मर्जी। तो हम फ्रेंड्स लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये आप मुझे देख पा रहे हैं। तो सभी लोग इन यादों को अपने कैमरे में जो है सेव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि यहाँ पर हम आए ताजमहल में, तो इन यादों को सजोए हुए जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग फोटोग्राफी में सभी लोग यहाँ पर जो है बिजी हैं, देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। ये देखो बहुत सारे लोग ऊपर तक गए हैं, ये अभी हम भी जाएंगे वहाँ तक। अब सामने से ये दिखा रहा हूँ मैं आपको वाओ, बहुत अच्छा दृश्य खींच रही हैं विदेशी सुंदरियाँ भी यहाँ पर अपने प्यार के दीदार के लिए आई हुई हैं, ये देख सकते हैं। मेरे साथ मेरी मित्र मंडली भी आई हुई है, लेकिन वो अभी यहाँ पर क्या है कि गजबज गई है अगर बोले तो मोहब्बत के प्यार के इस अजूबे को आप देख सकते हैं, दुनिया का आठवां अजूबा या सातवां अजूबा जो भी लोग बोलते हैं, वाकई दीदार बहुत खूबसूरत है। आप इसकी खूबसूरती से अंदाज़ लगा सकते हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं, और कितना आनंद आ रहा है इन लोगों को, वाह। ये देखो बिल्कुल मैं एकदम क्लोज पहुंच चुका हूं, यहां से बिल्डिंग शुरू होती है ताजमहल किले की, ये आप इसका टॉप देख सकते हैं, ये विशाल का ही गुंबद है, जो पिलर है इसके सामने भी एक किला है, और बहुत सारे लोग देश विदेश के पर्यटक सैलानी यहाँ पर आनंद लेते हुए आसमान में पंछी उड़ते हुए प्यार के कसमें वादे
उठाए जा रहे हैं कई लोगों के द्वारा। ये देखिए इस तरह से ये मिलाया आपको इस डोर पे, यहाँ से भी आप दीदार कर सकते हैं। वाह वाह, ताज बोला जाता है तभी तो। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग जरूर बताना, और ताजमहल के मैं जिस तरह से आपको दर्शन करा पा रहा हूँ तो वो कैसा लगा वो बताइएगा। यहाँ बंदर बहुत हैं तो उनके लिए सावधानियाँ बरतने के लिए भी बोला गया है। ये देखिए काफ़ी क्राउड, काफ़ी भीड़। अब मैं आपको यमुना जी के दर्शन भी कराता हूँ इधर ही से, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ताजमहल हुआ करते थे। ये सामने महल, ये भी एक किला बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें कलाकारी दिखाई गई है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। शाम का जो है सुहावना मौसम, और यमुना जी के किनारे बसा हुआ ताजमहल आपको अलग ही आनंद, जिस तरह से मैं फील कर पा रहा हूँ आप भी फील कर रहे होंगे, बहुत सुंदर फील प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखिए चिड़ियाँ चहचहाती हुई, और अब आप ही यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए लोग इस तरह से भी दीदार कर रहे हैं, अलग अलग पोजिशनों में फ़ोटो ले रहे हैं। आओ बहुत सारे लोग, आप देख सकते हैं यमुना किनारे भी जा रहे हैं। ये सुंदर यमुना जी का दृश्य, यमुना मैया की जय हो। और इसी के किनारे पे बसा हुआ खूबसूरत ताजमहल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आप भी ज़रूर आइए यहाँ देखने के लिए। और जो भारतीय कला यहाँ पर देखी जा सकती है, कहते हैं कि इतना सुंदर जो महल है वो कोई दूसरा और नहीं बना, जो इसके कारीगर थे उसके लास्ट में हाथ काट दिए गए थे ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा खूबसूरत महल, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बनाया, जिस भी यहाँ पर जो भी जितने भी लोग लगे हुए थे इसको बनाने में, जो कारीगर थे, जो आर्किटेक्चर थे उस समय के, उनको नमन है कि इतनी अच्छी चीज़ बना के दी जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए आती है इसको। तो इसी के साथ ताजमहल की इन यादों के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपको दिखाता हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन।